हम बार बार कहते हैं कि हमें इस देश में पॉल्यूशन को कम करना है। हम बार बार कहते हैं कि हमारी ये जिम्मेवारी है कि ग्रीन एनर्जी को हम प्रमोट करें, और इसको लेके हम बारी बारी क्या स्टेप लेते हैं, लेंगे, उसकी बातें करते हैं। और असलियत क्या है कि असलियत यह है कि आपने सोलार एनर्जी के जो आपकी कस्टम ड्यूटी थी उसको आपने कम नहीं की, आपने उसको बढ़ाने का काम किया है। इससे किसका फायदा होगा? क्या इससे आप ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करोगे? क्या इससे आप इस देश के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम कर पाओगे? मेरी वित्त मंत्री जी को आपके जरिए गुजारिश है कि आपके इस फाइनेंस बिल में सोलर सेल्स पे जो 20% करंट कस्टम ड्यूटी थी, योर प्रपोजल इन दिस बिल इज टू इंक्रीज इट 25%। आपका सोलर मॉड्यूल्स इसके ऊपर एट प्रेजेंट द कस्टम ड्यूटी इज 20%। वित्त मंत्री जी के इस फाइनेंस बिल में प्रपोजल है इसको इंक्रीज करके 40% करने की। अब किस दिशा में हम जा रहे हैं? आप कहोगे कि हमको तो मेक इन इंडिया बढ़ाना है इसलिए हम इसको ज्यादा महंगा कर देंगे। जवाब आएगा, एक्सपेक्टेड। पर अगर आपको इस एनवायरमेंट के लिए चाहिए तो क्वालिटी और लेटेस्ट थिंग्स के साथ कंपटीशन भी मेक इन इंडिया कर सकता है, वो ख्याल में रखते हुए हमें ये करना होगा।